तो देखिए फिर सामने है द्वार, अगर हम अंदर को वीडियो ले पाए तो मैं लूँगी, बाकी आप देखिए हम द्वार पे पहुँच जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए हैं, और ये मंदिर के आसपास की जगह है, पूरा मंदिर बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है और श्रद्धालु भी बहुत सारे आए हुए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, तो चलिए अब चलते हैं आगे। हाँ चलते हैं। ये देखिए महाकालेश्वर भगवान जी का प्रसाद है ये। आप बोलो, आप आगे चलाते जाओ, बोलते चल जाओ। भगवान श्री कृष्ण की विद्या स्थली चलेंगे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण उनके बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा ने पढ़ाई की थी। अच्छा, सोलह विद्या 16 कलाएं भगवान ने उनके स्थान पर सीखी थी। उस समय भारत का बहुत बड़ा विद्यालय था, दुनिया के राजा महाराजा सम्राट सब यहाँ पे पढ़ाई करने आते थे। उनके गुरु का नाम शांतिपति था, उसी नाम से ख्याति भगवान को मिली है। एक और तो नहीं चाहिए जानकारी, और भी दे दी? हाँ जी दे दो, आप पूरी दे दो, वीडियो में चाहिए हमें। जब गुरु दक्षिणा का समय देने को आया तो गुरु जी ने कोई भी अपनी तरफ से कोई निवेदन नहीं किया दक्षिणा के लिए, गुरु माता को आदेश दिया, गुरु माता ने बोला मुख से नहीं बोली। हाँ जी, हाँ साहब, इशारे में जब मुझसे बोला तो अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने निवेदन किया कृष्ण भगवान से, भगवान श्री कृष्ण ने क्षिप्रा मैया से लाकर दिया, गंगा से लाकर दिया और सागर से लाकर वापस प्रदान करा था अपने गुरु को। गुरु दक्षिणा में उनका दृत को लाकर, तो अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं शांति बनी आश्रम। अच्छा, शांति बनी आश्रम, उसके बाद काल भैरव जो महाकाल के सेनापति हैं, काल भैरव भगवान यहाँ पे दारू पीते हैं। अच्छा अच्छा, दुनिया में चढ़ती है यहाँ पे भगवान पीते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरव जी के दर्शन करना अनिवार्य है। हाँ जी, उसी तरह हमारे यहाँ महाकाल के दर्शन करने के बाद काल भैरव जी के दर्शन करना अनिवार्य है। अच्छा, तो आपकी यात्रा भगवान को यंत्र चढ़ता है काला धागा, भैरव जी के श्री चरणों में जाने के बाद अभिमंत्रित हो जाता है। अच्छा, फिर वो हमारे घर मकान दुकान गाड़ी घोड़े फैक्ट्री उद्योग नहीं स्थापित कर सकते हैं, जिससे अनिष्ट की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। समस्त पूजन सामग्री में भगवान का आशीर्वाद उतर जाता है, फिर अपना दशा अपने संपत्तियों का सभी का निर्माण होता है। दसों दिशाओं में रह के भगवान आपकी रक्षा करते हैं, भगवान एक व्यक्ति से आपको रूप में वापस देते हैं। चलिए चलिए, शीतल पानी घड़े का ठंडा ठंडा। क्या चाहिए?
चलो ना हटो ये वाली चलो चलो यहाँ फोटो खींचना मन है क्या ये देखिए यहाँ सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है और यहाँ पे अंदर जो है जोड़े से दूध चढ़वाते हैं और 50 रुपये पे करना होता है तो हम चढ़ा के अंदर से आ गए हैं अब जा रहे हैं आगे की तरफ उल्टा ना हो जाए अरे तो नानी जी के वहाँ पे ना लक्ष्मी को उसमें इतना बड़ा था कभी कभी बाहर आके बैठता है वो मछली पकड़ के बैठा वो एक वो बैठा बोल के बनाओ ऐसे मत करो इसका लिखी नहीं
तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से हमने दर्शन कर लिए, अब हम जा रहे हैं काल भैरव और वहाँ पे काल भैरव जी का दर्शन करेंगे। और वहाँ पे काल भैरव जी को शराब चढ़ती है, ये एक प्रसाद के रूप में चढ़ती है। तो अब हम अपनी वहाँ के लिए उसी जिस ऑटो से हम आए थे उसी से शायद जाएंगे, वो हमारा बाहर वेट कर रहे हैं। और भीड़ यहाँ पे काफ़ी है, गर्मी भी बहुत है और हम आए हैं अप्रैल के महीने में यहाँ। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 33 था दिन में, अब थोड़ा सा कम हुआ है।
गर्मी होने पर भी आप देख सकते हैं भीड़ बहुत है यहाँ पे, श्रद्धालुओं की बहुत लोग आते हैं दर्शन करने।